नमस्कार अनस, मैं डॉक्टर रुचि पांडे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग से बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए सीएचईएन 120 के गैसेस स्टेट का एवोगाड्रो लॉ लेके आज प्रेजेंट हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट 6 तक आपको बता रखा है व्हाट आर गैसेस स्टेट या गैसेस लॉ क्या होते हैं। हमें पता है कि गैसेस लॉ यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ लॉज पढ़ने पड़ते हैं। जब हम लॉज को पढ़ेंगे तब हम आइडियल गैस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो इससे पहले हमने जो पार्ट 6 तक है बॉयज लॉ चॉर्स लॉ एक्सप्लेन कर रहे हैं, तथा साथ साथ उसके न्यूमेरिकल्स भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे बॉयज लॉ चॉर्स लॉ के बाद एवोगाड्रो लॉ और एवोगाड्रो लॉ। ठीक है, तो एवोगाड्रो लॉ क्या होता है देखिए, क्योंकि जब तक हम बॉयज लॉ चॉर्स लॉ नहीं पढ़ेंगे एवोगाड्रो लॉ नहीं पढ़ेंगे तो हम आइडियल गैस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। आइडियल गैस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें ये तीनों लॉ को पढ़ना जरूरी है। तो बॉयज लॉ हम पढ़ चुके हैं, चॉर्स लॉ पढ़ चुके हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे एवोगाड्रो लॉ। तो एवोगाड्रो लॉ क्या देखिए, एवोगाड्रो लॉ स्टेटेड दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या कह रहा है देखिए, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखिए टेम्परेचर और प्रेशर पर वेरी करने वाले हमारे पास बॉयज और चॉर्स लॉ दो हो चुके हैं, जिसमें एक में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट था, दूसरे में क्या था प्रेशर कॉन्स्टेंट था। आज क्या चल रहा है हमारा एवोगाड्रो लॉ, जो साइंटिस्ट एवोगाड्रो ने दिया था, उसने क्या कहा इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर से मतलब क्या है, उसका टेम्परेचर और प्रेशर क्या है कॉन्स्टेंट है। उसका टेम्परेचर और प्रेशर क्या है कॉन्स्टेंट है। एट द सेम टेम्परेचर और प्रेशर हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर क्या है आपका, आपका क्या है किसके सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के इक्वल होता है। कहने का मतलब है ये लॉ हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर है, जिस जो डिपेंड करता है वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर, जितने गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और उसके साथ साथ मॉलिक्यूल के साथ साथ उसका वॉल्यूम। मान लीजिए कंटेनर है, उसके अंदर नंबर ऑफ गैस के पार्टिकल्स है, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम किससे डिपेंड करते हैं एन से, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं एन है, और इस समय गैस का वॉल्यूम कितना है आपका वी है। इस समय गैस का वॉल्यूम कितना माना जा रहा है हमें वी माना। तो दैट मीन्स इस समय टेम्परेचर और प्रेशर हमारा अगर कॉन्स्टेंट है तो हम इस लॉ को अप्लाई करेंगे, हम इस लॉ को करेंगे यानी कि हम उस समय किस लॉ को फेस करेंगे, एवोगाड्रो लॉ को फेस करेंगे। ठीक, कैसे देखिए, फॉर ए गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस द वॉल्यूम एंड द अमाउंट ऑफ गैस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कॉन्स्टेंट। साफ लॉ से ही क्लियर हो रहा था कि हमारा इस समय वॉल्यूम और टेम्परेचर, हमारा जो टेम्परेचर और प्रेशर क्या है कॉन्स्टेंट है, और ये लॉ इस पर डिपेंड कर रहा है वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड कर रहा है। तो नीचे मैंने डिफाइन करा, देखिए एट ए गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस द वॉल्यूम एंड अमाउंट, अमाउंट से मतलब है मोल्स ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कॉन्स्टेंट। इफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कॉन्स्टेंट द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अमाउंट या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अमाउंट या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब है मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जब टेम्परेचर और प्रेशर कॉन्स्टेंट होगा तो वी इज प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया एन के। मैथमेटिकली हमें वी इज प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा आपका एन के। देखिए मैथमेटिकली दिस लॉ कैन बी रिटन एज, मैथमेटिकली रूप से इस लॉ को किस तरह से लिखा जाता है, देखिए वी इज प्रोपोर्शनल टू एन, वी इज प्रोपोर्शनल टू एन मतलब हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट ए कॉन्स्टेंट एंड कॉन्स्टेंट एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यही बात मैंने बोली जो वर्बली बोली उसी को आप मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर दीजिए। कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर वी इज द अमाउंट ऑफ द गैस ऑफ द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस पार्टिकल विच आर प्रेजेंट इन ए कंटेनर। हमारे गैस कंटेनर में जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वी इज प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा एन के होगा। ठीक, प्रोपोर्शनलिटी में हम रखेंगे नहीं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना पड़ेगा। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हमने क्या इंट्रोड्यूस किया कॉन्स्टेंट, हमने कॉन्स्टेंट क्या इंट्रोड्यूस करा के इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा एन, दैट मीन वी इज इक्वल टू के एन। इस लॉ को हम कौन सा लॉ कहेंगे, एवोगाड्रो लॉ के नाम से जानेंगे। वेयर के इज द प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, जहां हम क्या मानेंगे के को एक कॉन्स्टेंट मानेंगे, जिसको हम कहेंगे प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है तो इसकी हर हमने देखा बॉयज लॉ पढ़ा, चॉर्स लॉ पढ़ा, एवोगाड्रो लॉ पढ़ा, तीनों में कॉन्स्टेंट थे लेकिन इनमें कॉन्स्टेंट की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं थी, क्योंकि बॉयज लॉ चॉर्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ तीनों लॉ को मिलाकर हम आइडियल गैस इक्वेशन बनाएंगे। तो हम उस समय उसकी वैल्यू को डिफाइन करेंगे कि इस समय कॉन्स्टेंट की क्या वैल्यू होती है। ठीक, ये तो तब तक था जब आइडियल गैस हमने इक्वेशन, जब तक हमने भी आइडियल गैस डिफाइन नहीं करेंगे। ठीक, आइडियल गैस को आपको पार्ट 8 में आपको डिफाइन किया जाएगा। अब बात आती है
कि ये तो तब आती जब हमारा एक कंटेनर में गैस के पार्टिकल्स प्रेजेंट थे। मान लीजिए दो या तीन कंटेनर यानी कि दो या तीन गैसेस इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, एक कंटेनर में दो या तीन गैसेस प्रेजेंट है। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे कि हमारा कोई कंटेनर है, इसमें दो या तीन गैसेस पार्टिकल्स प्रेजेंट है, अलग अलग गैस पार्टिकल्स प्रेजेंट है। इसको मैं रिलीज कर देती हूँ, ठीक है। एक आपका कंटेनर है, इसमें दो या तीन पार्टिकल्स हमारे इसमें गैस के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है। इफ आप बात करी जाएगी जब दो या दो से अधिक गैसेस प्रेजेंट हो या एक ही कंटेनर में दो या से अधिक गैसेस प्रेजेंट हो तो हम इस लॉ को कैसे अप्लाई करेंगे, दैट मीन मल्टीपल केस में इस लॉ को कैसे डिफाइन किया जाएगा। कैसे देखिए, इफ V1 इज द वॉल्यूम ऑफ सर्टेन मास ऑफ ए गैस एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर। सबसे पहले तो कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी है कि हमें कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर को क्या रखना है, हमेशा कॉन्स्टेंट, यानी कि जिस लॉ में टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होगा वो लॉ हमारा कौन सा लॉ होगा, अवोगैड्रो होगा। तो टेम्परेचर और प्रेशर हमारा क्या है, कांस्टेंट है। इफ V1 इज द वॉल्यूम ऑफ अ सर्टेन मास ऑफ अ गैस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर, और गैस का वॉल्यूम कितना है V1, ठीक, एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज N1, उस समय गैस के मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी होगी, N1 होगी। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, V इज प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, N1। उस समय इस कंटेनर में प्रेजेंट गैस के पार्टिकल्स वॉल्यूम कितना है, V1 है, पार्टिकल्स की संख्या कितनी है, N1 है। तो उस समय इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, V1 इज प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, N1 के हो गया, ठीक। तो दैट मीन्स क्या हो गया, V1 इज इक्वल टू KN1। हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1 के रूप में एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक। एंड V2 is the volume of the gas of a molecule become N2, then we have, अगर किसी गैस का वॉल्यूम V2 है, मान लीजिए इस कंटेनर के अंदर गैस जो प्रेजेंट है V2 है, V2 से मतलब क्या है, आपकी वैल्यू सेम नहीं है। मान लीजिए इसका 200 ml है तो यहाँ पर 201 ml है, यहाँ 400 ml है तो यहाँ 300 ml है, यानी कि वॉल्यूम क्या आपका सेम नहीं है। वॉल्यूम सेम नहीं है, क्यों नहीं सेम है, वॉल्यूम सेम इसलिए नहीं है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या है, डिफरेंट है। तो अगर वॉल्यूम क्या है, V2 है, तो उसके मोल्स भी क्या है, डिफरेंट है, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, N2, और V2 इज इक्वल टू किसके हो गया, KN2। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक। ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या हो गई, क्यू हो गई। तो हमारे दो कंटेनर थे, दोनों कंटेनर के वॉल्यूम क्या थे, अलग अलग थे। पहले वाले का वॉल्यूम कितना था, V1 था, तो उसके नंबर मॉलिक्यूल्स कितने थे, N1 थे। तो हमने लॉ अप्लाई करा, V इज प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, N1 के। सो V1 इज इक्वल टू क्या हो गया, KN1 हो गया। सेम है, अगर वॉल्यूम V2 था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, N2 हो गए। V2 हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, N2। सो V इज इक्वल टू क्या हो गया, KN2। हमारे पास दो इक्वेशन फाइंड हो गए। सो नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द अवोगैड्रो लॉ, अगर हम दोनों लॉ को फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम इक्वेशन 1 एंड 2 को ले लेते हैं तो क्या होगा, वी फाइंड व्हाट, V1 1 और 2 से मतलब है V1 इज डिवाइडेड बाय V2 या V2 इज डिवाइडेड बाय V1। तो हम इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 कर ले रहे हैं। सो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू किसके हो गया, K/K इज इक्वल टू N1/N2 हो गया। K से K, सॉरी यहां पर आ गया K1, ठीक है। K से K कट गया तो फाइंड क्या हुआ, फाइंड हुआ हमारा V1/V2 इज इक्वल टू N1/N2। N1 अपॉन क्या हो गया, N2। अगर इसको इस फॉर्म में लेना चाहो, इस फॉर्म में लेना चाहो तो क्या कर सकते हो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो देखिए क्या होगा, V1 अपॉन क्या आएगा, N1 नीचे आ गया, N1 इज इक्वल टू V2 ऊपर चले गया, V2 अपॉन N2। तो हमें क्या हो गया, दिस इज द एवोगैड्रो लॉ। हमें कौन सा हुआ, एवोगैड्रो लॉ फाइंड हुआ फॉर मल्टीपल नंबर ऑफ गैसेस आर प्रेजेंट। जब मल्टीपल नंबर ऑफ गैसेस प्रेजेंट होंगी किसी भी कंटेनर में तो हमने क्या करा, इस लॉ को फाइंड करा फॉर ए मल्टीपल नंबर ऑफ गैसेस, ठीक। अब बात आती है, हम इसको ग्राफिकली कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस लॉ को हम ग्राफिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ग्राफिकली एक्सप्लेन करने का तरीका इस लॉ से, इस लॉ का कैसे होता, देखिए इसको करने का तरीका बताती हूँ आपको मैं। हमें पता है ये लॉ चलता है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और हमारा क्या है प्रेशर क्या है हमारा कॉन्स्टेंट है। तो हम इसको ग्राफ के रूप में कैसे एक्सप्लेन करेंगे या ग्राफ से कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा कौन सा लॉ है, एवोगैड्रो लॉ। देखिए कैसे, the equation shown that a number of molecules of gas increases the volume of the gas also increases. equation से साफ पता चला है कि V is proportional to N है, तो यानी कि N बढ़ेगा तो volume बढ़ेगा, N घटेगा तो volume क्या होगा, घटेगा, क्योंकि both are directly proportional to each other. directly का मतलब क्या, जितना बढ़ेगा उतना ही दूसरा molecules भी बढ़ेगा। तो मैंने लिखवा था, देखिए the molecules of gas increases the number of volume of the gas also increases. volume of the gas is increases to volume of the number of particles. Similarly, the number of moles of the gas decreases, then the volume also decreases. अगर ये decrease होता है, तो volume भी क्या हो जाएगा, decrease हो जाएगा,
ठीक, तो यानी कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हमें ग्राफ कैसे इंडिकेट होगा, हमें ग्राफ इंडिकेट करने का तरीका है v इज प्रोपोर्शनल टू n है, तो हमने ग्राफ ड्रॉ करा है किसके बीच में, देखिए हमने ग्राफ ड्रॉ करा है किसके बीच में, ये हो गया आपका वॉल्यूम और ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द पार्टिकल्स हम मान लेते हैं कितने हैं, यहाँ पे जीरो हो गया इनिशियल, ये हो गया टू हो गया, वन टू हो गया, ये थ्री हो गया, ये फोर हो गया, ये फाइव हो गया और ये हो गया आपका सिक्स, ठीक। ये x एक्सिस में वॉल्यूम परपेंडिकुलर यानी कि y एक्सिस में वॉल्यूम आप लेके चलीजिए 100 ml हो गया, किसमें वॉल्यूम अगर मान लीजिए ml में है 100 ml हो गया, ये आपका 200 हो गया, ये आपका 300 हो गया, ये आपका 400 हो गया, वॉल्यूम आपका चल रहा है, ठीक। v इज प्रोपोर्शनल टू, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, बढ़ेंगे, ठीक है। इनिशियली वॉल्यूम जीरो था और नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, जीरो थे, नंबर ऑफ मोल्स वन हो गए तो उस समय वॉल्यूम कितना हो गया, 100 हो गया। सो हमें 100 होने पर हमें ये पॉइंट इंडिकेट होगा, हमें यहाँ पर कौन सा पॉइंट दिखाई देगा, कोई दूसरा पॉइंट पॉइंट इंडिकेट होगा, ठीक। अब वॉल्यूम आपका ये नंबर ऑफ मोल्स आपके कितने हो गए, टू हो गए, यानी कि एक से बढ़ के कितने हो गए आपके, टू हो गए, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, एक से बढ़ के टू हो गए, तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा क्योंकि एन इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम क्या है, तो हमारा अगर ये वन ये टू है तो इसके वॉल्यूम में हमारा 200 इनकी ये पॉइंट इंडिकेट होगा, ठीक। अगर नंबर ऑफ मोल्स हमारे तीन हो गए तो वॉल्यूम हमारा कितना हो जा रहा है, 300 जा रहा है, ठीक है। ये इसका पॉइंट है, ये हमने यहाँ पर देखा और ये हमारा 300 तक पहुंचेगा, ये हमें ये क्रॉस पॉइंट हमें इंडिकेट हो रहा है। सिमिलरली ये वैल्यू बढ़ती जाएगी इनफाइनाइट नंबर तक, नंबर ऑफ मोल्स हमारे कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है, तो वॉल्यूम हमारा 400 पे पहुंच गया, वॉल्यूम हमारा 400 पे पहुंच गया, ये हमें कहा। अगर हम इस पर स्ट्रेट लाइन खींचे रूलर का यूज करते हुए तो हमें देखिए दिस वन इज द स्ट्रेट लाइन, ये लाइन हुई स्ट्रेट लाइन, कब, जब एट कॉन्स्टेंट एंड टेम्परेचर और प्रेशर हो, जब इस सिस्टम में कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और क्या है प्रेशर है, जब कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर है तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, आप लोगों को दिख रहा है, वी गेट ए स्ट्रेट लाइन, हमें क्या दिख रही है, स्ट्रेट लाइन इंडिकेट हो रही है किसके साथ, सब्सटेंस के साथ, ये सब्सटेंस की वैल्यू इंडिकेट कर रही है आपको और ये आपको किसकी वैल्यू इंडिकेट कर रही है, वॉल्यूम की वैल्यू इंडिकेट कर रही है और हमें ये ग्राफ ऑपरेट हो रहा है, तो इंडिकेट हो रहा है वी गेट ए स्ट्रेट लाइन। तो इस ग्राफ की हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हो, अगर हमारे जी ग्राफ दे दिया और पूछा गया किस चीज का ग्राफ है तो आप इजीली फाइंड आउट करोगे कि ये ग्राफ किस चीज का है, विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यहाँ पर किसका मतलब है, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे उतना नंबर ऑफ वॉल्यूम क्या होगा आपका बढ़ता जाएगा, तो जितने पार्टिकल बढ़ रहा है उतना नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहा है और उस पर हमारा लॉ कौन सा कहलाता है, आपका एवोगाड्रो लॉ के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा था आइडियल गैस इक्वेशन का थर्ड लॉ, पहला लॉ हमने बॉयल्स पढ़ा, दूसरा लॉ हमने चार्ज पढ़ा, तीसरा लॉ हमने एवोगाड्रो पढ़ा और फाइनली अब हम पार्ट एट में हम डिस्कस करेंगे बॉयल्स लॉ, चार्ज लॉ, एवोगाड्रो लॉ और इन दोनों का सम्मिशन करके आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन कैसे ड्राइव की जाती है, तो उस चीज के लिए आप एक बार बॉयल्स लॉ को देख लीजिएगा, चार्ज लॉ को देख लीजिए, एवोगाड्रो लॉ को देख लीजिए और उन सबको मिक्स करके जो हम इक्वेशन बनाएंगे वो हमारी कौन सी इक्वेशन होगी, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक। थैंक यू।